या भगवान, मैं क्या बताऊं साथियों, मेरा नाम राकेश है और मैं इसी गोंडा जिला ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी बहुत गमगीन कहानी है, अगर मेरी कहानी सुनोगे तो आपके आंख से आंसू निकले या ना निकले, लेकिन दिल तो पसीज ही जाएगा बाबू साहब। ये बात उस दिनों की है जब मेरे मम्मी और पापा दर्शन के लिए गए थे। मैं 5 साल का था और मेरी बहन रजनी मात्र 3 साल की थी। लेकिन साहब, उस दिन मैं जब दर्शन करके हम पूरे परिवार के सहित आ रहे थे तो रास्ते में एक दुर्घटना घटती है कि अचानक जिस गाड़ी पर हम बैठे थे उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है बाबू साहब। और उसी से एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा मुझको छोड़कर चले गए। लेकिन साहब, एक मेरा चाचा था, उसी वक्त वो आया और मुझसे कहने लगा, राकेश बेटा तुम घबराओ मत, मेरे साथ चलो, अपनी बहन रजनी को लेकर मैं तुम्हारी सेवा सासत करूँगा, मैं तुझको पालूँगा, मैं तुझको पोसूँगा और तेरी बहन रजनी की मैं शादी कर दूँगा। मैं इतनी बात सुना कि मेरी रजनी बहन की शादी हो जाएगी। साहब, मैं बहुत खुश हो गया और अपने चाचा की बातों में आकर मैं चाचा के साथ चला गया साहब। लेकिन जब कुछ दिन बीते तो हमारे चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी बहन की तो शादी कर दूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। मैं सोचा कि मेरा चाचा आखिर कहेगा क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अबू साहब, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मुझे क्या पता। साहब, मेरे सामने मेरे चाचा ने एक कागज रख दिया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कागज क्या है, लेकिन पढ़े लिखे लोग शायद उसे स्टाम्प पेपर बोलते हैं साहब। और कहा, इसे पे अंगूठा लगा दो, मैं तुम्हारे बहन की शादी कर दूंगा। साहब, मुझे पता नहीं था, मैं अंगूठा लगा दिया इतने में चाचा ने मुझको लात मार कर घर से भगा दिया। उसी दिन से हम भाई बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं साहब। मेरी बहन घर में मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे बोला कि बहन, मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने लिए काम ढूंढ कर आऊँगा और काम करूँगा और तेरे लिए शाम को कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन साहब, मैं जिसके यहाँ जाता हूँ वही मुझको कहता है, अरे तू कौन है रे भिखारी, मेरी नज़रों से दूर हट जा, तेरे कपड़े से बदबू आ रही है। साहब, मुझको कोई काम नहीं देता है। अभी मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी कि भैया कुछ ना कुछ खाने के लिए लाएगी, लेकिन अफसोस कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कैसे जाऊं अपनी बहन के पास, मैं यहीं से बुला लेता हूं। बहन रजनी, रजनी बहन, तेरा राकेश भाई तुझको बुला रहा है, आजा बहन। भैया, आपकी आंखों में आंसू भैया, भैया
बातें बताओ भैया, आप कह रहे थे ना कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो मैं आपके लिए खाना और नाश्ता लेके आऊंगा। भैया बताओ भैया, आपने मेरे लिए खाने के लिए क्या लेके आए हैं? भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भैया। भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भैया। ए गुड़िया, अरे मैं गया था काम की तलाश में, लेकिन मैं जिसके द्वार पर जाता हूँ उसको धक्का मारकर भगा देता है, कहता है तू दूर हट जा, तेरे कपड़े से बदबू आ रही है, मैं मुझको कोई काम नहीं देता है। क्या भैया? भैया आखिर बताओ, आज मुझे 2 दिन से भूख लगी है भैया, बताओ भैया मैं क्या खाऊंगी भैया, मुझे बताओ। बहन मैं एक बात तुझसे पूछूं, ये बता मरते वक्त माँ ने तुझको अपना मंगलसूत्र निकाल कर दिया था, कहा था ना कि रजनी इसको संभाल कर रखना क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। भैया नहीं भैया, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे मेरी माँ ने मुझे मरते वक्त दिया था कि बेटी अगर आपकी कभी शादी हो तो अपनी माँ की आखिरी निशानी ले लेना। भैया मैं वो निशानी नहीं दूंगी आपको, नहीं दूंगी भैया। तू समझने की कोशिश कर कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक काम कर तू वो मंगलसूत्र मुझको दे दे, यहाँ तू जानती है कि यहाँ ग्राम रामपुर में सेठ करोड़ी मल का बहुत भारी व्यापार है, हम उनके पास चलते हैं, उस माँ की आखिरी निशानी को गिरवी रख कर उनसे कुछ पैसे लेकर हम अपनी पेट पूजा करते हैं बहन, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ला बहन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन जब कमाने लगूंगा तो मैं छुड़ा लूंगा बहन। नहीं भैया, आपको मेरी कसम, मेरे सर पर हाथ रख के कहो, अगर मैं आज ये मंगलसूत्र आपको दे रही हूँ तो एक दिन ये मंगलसूत्र आपको वापस देना पड़ेगा भैया। अरे पगली, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ कि मैं कमाने लगूंगा तो माँ की आखिरी निशानी को छुड़ा लूंगा बहन। ला बहन ठीक है भैया। या मेरी मैया मुझको माफ करना क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चल बहन आ हम चलते हैं। मन सपना समझे में नावे जिंदगी जाके खेला समझे में मन सपना समझे में नावे जिंदगी आके खेला समझे।
समय ही नाच नचावे, हे भैया समय ही नाच नचावे, समय हसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे, हे भैया समय ही नाच नचावे। हमार काम का बारे साबुन लगाई। हाँ सेठ, आपके नाम का बा, आपके काम बा का साबुन लगाई के। मेरी बोलने की शैली है रे, मारते मारते सो जाऊंगा, सोकर जागूंगा तो फिर मारूंगा साबुन लगाई। नहीं से ये बताओ। हाँ सेठ। जिला गोंडा। हाँ सेठ जी। ग्राम रामपुर। हाँ सेठ। मेरा नाम शेर करौली मल। शेर करौली मल। कितने को खोखला कर दिया हूँ।
सिर्फ कर्जा देता हूँ तो सोना लेता हूँ और पीतल का सोना बनाकर बेच देता हूँ चाबुल लगाए के। इतना पुराना आदतिया शेर तो है। हमारे एक बेटी है जिसका नाम कल्पना, वो मेरी दुलारी बेटी है। हाँ सर। जब तलक आती नहीं मेरे दिल में हमेशा हमेशा उदासी रहती है चाबुल लगाए के। अब हरे हुमताई पहुंच गया का कुचल दे हाथ है के मने माँ। हाँ। ये बताओ हिसाब किताब बराबर है ना? सब हिसाब किताब बराबर है तो हाँ बहन खाता मेरे हाथों में रहा। वही खाता ससुर के नाती। हाँ से। मारत मारत सो जाओ, सो के जागो तो फिर मारत साबुन लगाए। हाँ सेर वही खाता, वही खाता तो हाँ मेरे हाथ में है। जोड़ के बता हिसाब कितना घाटो कितना फायदो 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 साबुन लगाई। सेठ बैठ जा प्रेम से हम सब हिसाब बताऊ। रुको पकड़ ले आराम से। सेठो खिया नौकरी कैले जी को अपती रहा था पहला पाछे हाल लगाए सेठ चले नहीं पाते। सेठ हुआ वाला हिसाब जोन लेके आवा रहे 10 बोरा सुपारी 15 बोरा काली मिर्च 35 बोरा जवाइन एक ट्रक लदवाए कर उल्टी के सेठ। घाटो 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 एक मूल 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 साबुन लगाए के फायदों को बात कर। घाटा छोड़ दी फायदो बैठा। बिना पकड़े नहीं चले पाते लेकिन भाई घाटा ग्रास ने खड़ा हो गया तम आई की। सेठ हो। हाँ, बताओ जोड़ के बताओ। जोड़ जोड़े गाठे सब भाई। हाँ, फायदे 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 वाले बताओ तही। 500 बोरा सरसों 500 बोरा सरसों 73 बोरा उड़द कल हुआ उड़द 75 बोरा हरेरवा उधर हरा वाला तो क्या हुआ फायदो फायदो की घाट ए मैं पिछान फायदा ही फायदा बासे फायदा। मनमा का घोड़ी नहीं याद या हम घोड़ी हो जाए जा सुन दे मारत मारत सो जाओ सो के जागो तो फिर मारब साबुन लगाए। एक दाए कुचुल दे या उठा माओ खड़ी गा है। हाँ फायदा है से। मुनिमा। हाँ। अरे भजिला सीता भजिला सीता राम हो सबेर वही माँ भजिला सीता राम हो भजिला सीता राम हो सबेर वही माँ भजिला सीता राम हो सबेर वही सब केहू मिलके शेर का दुइठू मेहरारू लियाए दिहा दुइठू कहा था ये चला के तब उधार मांगा था आखिर दुई मेहरारू का कर बया मने माँ उनका गटाई में माला बना के पहिर बया हिया मनाई के एक एक मेहरारू खावा में तो भरभन चटक जाता है और दुई मेहरारू का कर बसे ससुर के नाती इतना दिन तो का राहत होगा रे। हाँ लेकिन समझ नहीं पाए नहीं से समझे नहीं बतावत ही साबुन लगाई के
सुन। भैया मोरे जहां भाई भारू, हम का चाही दुई मेहरारू। जब से भारू शरीर भय तब से दुई मेहरारू चाही। जाई कथा भई लठिया, एक पहुड़ई का बिछावई खटिया। हाँ बहुत चलाक सेठ, बुढ़ाई दाए कई लाठी पकड़े एक खटिया बिछाए। समझदार हरे सब लगे। अरे सेठ समझदारी हमारे तेजी है। सब केहू मिल के शेर का दुल्ठू मेहरारू लिया दिया। अरे खैचिन खा हो सोहारी सबेर वही मा, आओ मटैया खेली तो। आजकल के कर्जा ले नहीं आवत रे साबुन लगाई। का करब सेठ जमाना बदल गया है। ऐसा कर जितना किसान है सब मोटासा हो गया है। मुनिमा हाँ कहे बड़े उनका मजबूर कह दे। जब मजबूर हो जाए है तो हमरे खिया कर्जा ले उपाय कर। आइए साबुन लगाई के आइए मुला साबुन ना लगाई। नहीं बताओ हाँ मुनिमा जी। मेरी बेटी कल्पना भी तक नहीं आई साबुन लगाई। हमारे बहुत डर लगा था उठा के मारा सकता हूँ। हुआ टाइम पहुँच गया कार है। पहुँच जाता नहीं लौट ही जाता। कल्पना बेटी सेठ अवतीन हुई है आप बैठ जा आराम करा। आओ से सुन के नती का करी बैठावत तो ही बैठू पावत है। मरत मरत सो जाब सोई के जागब तो फिर मरब साबुन लगाई के। गुस्सा बन गया बिट्टी आई गई। क्या हुआ पिताजी? मुनिमा बेटी मुफ्त की तनख्वाह ले जा। बहुत मारूंगी मैं। नहीं दीदी हम कुछ नहीं करे। कट ना लाए तू पागल। बोल बेटी। पिताजी ये मुंह लगे हो गए हैं साबुन लगाए। आप बैठिए आप बैठिए। हां बोल बोल बैठो बताए। आ बेटी आ पिताजी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हो साबुन लगा के तो बोलो। देर किस बात की है? पिताजी के चरणों में लली झुकाए। पिताजी के चरणों में लली झुकाए शीश और दीजे आशीर्वाद पिताजी फूले हुए सब। कल्पना पिताजी इजाजत मांगने आई हो साबुन लगा के जी। अरे खुश रहो फूलो फलो उम्र तेरी बढ़ी जाए। खुश रहो फूलो फलो उम्र तेरी बढ़ी जाए। अरे दुख सुख मेरा धार मन हरदम करे। बेटी कल्पना क्या चाहती हो? तुम दुलारी बेटी हो पिताजी। एकलौती बेटी हो।
सेठ, आपकी बिटिया एक लौकी है। क्या? मरते मरते सो जाऊंगा, सो कर जाऊंगा, फिर मारूंगा साबुन लगा के। आप पीछे। पहले मुझे ये बताओ, तुमको कौन कहता है बोलने के लिए? तुम्हारी हैसियत कितनी है? तुमको कौन कहता है बोलने के लिए? अबे तुम बोलते ही खड़ा तो वही। तुम्हारी हैसियत कितनी है बेटी? ये साले बहुत मुंह लगे हो गए। मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। ऐसे झूठी बोला। 300 जूता लगाऊंगा। पहले झूठ सुन लिया, पीछे सुन लिया, सुन लिया बात हमारी। झूठी बोला तोरे मोहे में कबो नहीं लागे। अबे जोर कहा था मुंह लगा हो गया। बेटी देखा, नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। तुम्हारे बाल बच्चे कटोरा लेके चौराहे पे आ जाएंगे। शाबुल लगा के बोल दादी। हाँ। मैं कहीं जाना चाहती हूँ घूमने के लिए। घूमने के लिए जाना चाहती हो शाबुल लगा के? जी पिताजी। लेकिन बेटी क्या इतना तो याद रखना, मेरी बुढ़ाई अवस्था है, तुम एक लौती बेटी हो। जमाना बड़ा खराब है साबुन लगाई के। मैं कहने के मतलब समझ गई पिताजी। बेटी आजकल के लौंडे हैं लड़कियों को देखकर सीटी मारना शुरू। वो देख, वो सीटी मार रहे हैं। अरे मेरा नाम सेठ करौली वाला है, मैं तुम्हारा घर खुदवा कर तम्बाकू लगवा दूंगा साबुन लगा के। देखा के सीटियां मारता है? सुना नहीं? इधर से आवाज आई। इधर से आवाज? हाँ पिताजी। बेटी जाओ, याद रखना मेरे सफेद मौत का ध्यान रखना, मेरे मान सम्मान में दाग लगने न पाए। नहीं पिताजी, आखिर लाडली किसकी हूँ? आपकी ना? मेरी हो। एक खट्टी एक मीठी। जाओ जाओ मुनिमा। हराम जादे, मेरी बेटी सयानी हो गई है, शाबुल लगाई। हाँ सेठ, एका हम जानते ही। समझदार हो गई है। एका हम जानते ही तहा बेटी अब करे लायक हो गया है। क्या क्या? उठा मेरा हंटर, उठा मेरा हंटर। भाई सुन बेटा, तो तना मारूंगा साले। सुन ले, मारते मारते सो जाऊंगा। अरे सुन बे। ए सेठ, जूता तो ले बे। सेठ, हम कहा था बिट्टी करे लायक हो गए हैं। क्या शादी बिया? ऐसे क्यों नहीं बोलता? और उनका अकेले भेद है यहाँ, हमका भेद है, होता सतवा चला जाई। बॉडी गार्ड बन के आओगा हिफाजत के लिए? हाँ साला, अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाता, मेरी बेटी की हिफाजत करेगा साबुन लगा के? पीछे जूता लगाऊंगा साले, मरते मरते सो जाऊंगा, सोकर जाऊ तो फिर मारूंगा साबुन लगा। मेरी बोलने की सहेली है रे? सहेली आप कहें। उठा मेरा छोटा मुनिमा। हाँ सेठ। कोई कर्जा लेने नहीं आता रे? के आज समोटाएगा है आजकल सबका खून चूस चूस के। मैं तिजोरी में रुपया से भर गया है, मेरे पास फैक्ट्री चल रही है। कावा फैक्ट्री? ओका का कहती रे? फैक्ट्री। हाँ फैक्ट्री नहीं बनत तो बता देवा करे। बतावत है फैक्ट्री चलती है, बड़वार फैक्ट्री है।